ये नज़ारा आप देख रहे हैं मानगो क्षेत्र की, जहां मानगो के कुछ क्षेत्रों में इन दिनों सप्लाई पानी नहीं आने से क्षेत्र के जितने पानी के नल हैं वो सूखे पड़े हैं। वहीं घरों में कल तक टंकियों और बाल्टी बर्तनों में पानी दिखती थी, आज खाली पड़ी हुई है। कारण है क्षेत्र की जिस जिस जल मीनार से पानी आती थी वहां के पंप के लगभग मोटर खराब हैं, जिसके कारण मानगो के डिमना, कुमरूम बस्ती, संकोसाई, कल्याण विहार, टीचर कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों में करीब महीने भर से सप्लाई पानी नहीं आ रही है, जिससे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि उनके यहाँ करीब एक महीने से सप्लाई पानी नहीं आ रही है और कभी आती है तो 10-5 मिनट के बाद बंद हो जाती है, जिससे वो लोग दूर दराज जाकर पानी लाते हैं और काम चलाते हैं। का बहुत समस्या है हमारा मानगो क्षेत्र में, और खास करके हमारा संकोसाई में ज्यादा पानी का समस्या है। मुश्किल से पानी 20 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है हम लोग को। किसी दिन पानी मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। हम लोग कभी डिमना पानी लाने जाते हैं तो कभी हम लोग मानगो चौक पानी लाने के लिए जाते हैं। ये समस्या हम लोग के साथ पानी का है, से नहीं आ रहा है और एक सप्ताह से हम लोग कैसे करके चला रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पानी उनके लिए बड़ी समस्या बन गई है, जिससे वो पदाधिकारियों को शिकायत भी करती हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सप्लाई पानी कहाँ आ रहा, आ ही नहीं रहा है। आ रहा तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट गिरता है, एक दो बाल्टी बस, उसके बाद फिर बंद हो जा रहा है। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? काम चला रहे, इधर उधर से लेके अगल बगल से लेके काम चला रहे हैं। चल रहे कि सवेरे 5 बजे भोर को उठ करके 2-4 गैलन पानी ला करके अपना परिवार का पानी पीने वाला व्यवस्था करते हैं, और जो सप्लाई पानी दिया गया है उसमें 5 मिनट देता है, कभी 10 मिनट दिया, उससे 1-2 गैलन पानी पीने के लिए रख जमा करते हैं। एक सप्ताह से अब पानी एकदम 1-2 गैलन आता है, उससे पूरा परिवार का पानी पीने तक का नहीं होता, बाकी तो नहाने धोने वाला तो बात अलग है। ऐसे में मानगो जलापूर्ति योजना का जितना भी पंप हाउस है वहां के पानी 12 मोटर में 7 मोटर खराब पड़े हुए हैं। पदाधिकारियों का मानना है कि पानी की मोटर के लिए वो लोग प्रयासरत हैं, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। क्या है कि जहां जहां भी मोटर 6 जगहों में लगभग मोटर की आवश्यकता है नए पंप की, उसके संबंध में बात किया गया है। चूँकि ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो कार्यपालक अभियंता है, पेयजल आपूर्ति, उनके द्वारा देखा जा रहा है इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस, तो उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको खरीदने की अग्रेतर कार्रवाई और प्रक्रिया की जानी है, और इस संदर्भ में जो भी दिशा निर्देश उपायुक्त महोदय द्वारा दिए गए हैं, और हम लोग आपसी दोनों विभाग के समन्वय स्थापित कर इस मामले का जल्द निराकरण कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में मोटर या अन्य किसी चीज की कमी से यहाँ की पेयजल आपूर्ति की से आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बहरहाल करोड़ों की लागत से बनी मानगो के जलापूर्ति योजना का लाभ लगभग आधे मानगो के आबादी नहीं ले पा रही है और पानी के लिए बेबस हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है जल्द से जल्द सभी पंप हाउसों के मोटर ठीक करने की, ताकि लोग पानी के लिए परेशान ना हो। मनोज कुमार, न्यूज 11, जमशेदपुर।